हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनूस रंगमंच। और आज है सैटरडे, वेदर काफ़ी अच्छा है और छुट्टी का माहौल भी चल रहा है क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का छुट्टी चलता है। सैटरडे संडे दोनों ही दिन उसका छुट्टी है, तो इसीलिए सब लेट में चल रहा है। हमारा ब्रेकफास्ट लेना तो हो गया है, मगर जो मेन लंच का कुकिंग है वो अभी तक बाकी है। सारे इन्ग्रीडियंट्स मैं रेडी कर चुकी हूँ, मगर अभी पकाना बाकी है तो वो सब चलेगा। अभी ऑलरेडी बज चुका है 11:55, तो 5 मिनट ही बाकी है 12 बजने में। तो अभी थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, तो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज मैं एक न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है रोस्टेड चिकन करी। तो ये प्रॉपर रोस्टेड टाइप ऑफ नहीं है चिकन, बट इसको रोस्टेड चिकन करी ही बोला सकते हैं और ये बहुत डिलीशियस होता है। मैं और एक बार इसको ट्राई किया था, आज लेकर सेकेंड टाइम मैं इसको कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना और ये जल्दी जल्दी हो जाता है, ठीक है। ये एक पॉइंट मैं ऑलवेज माइंड में रखती हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं लिया हूँ चिकन, जो मेन इन्ग्रीडियंट्स है इस रेसिपी का। तो यहाँ पर 600 ग्राम चिकन है, उसको मैं अच्छे से वॉश करके जो पानी है वो ड्रेन करके तो इसके अंदर मैं कर्ड दे चुकी हूँ और मैरिनेट करके रख चुकी हूँ। ओनली कर्ड ही है इसमें और कुछ भी नहीं है, तो इससे क्या होता है चिकन बहुत सॉफ्ट होता है, ये सबको पता है, मैं फिर भी बोल चुकी हूँ। और जो है वो मैं एक साथ रेडी करके रख चुकी हूँ, भिगो के रखी हूँ। तो इससे क्या होता है कि सॉफ्ट होता है, तो सॉफ्ट होने से क्या ग्राइंडर में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी जल्दी हो जाता है। तो इसमें है ग्रीन चिली, टू ग्रीन चिलीज़ है, कैशू नट्स है, थोड़ा सा होल गरम मसाला मतलब सिनेमन, कार्डिमम एंड क्लोव्स, ये तीनों ही मैंने यूज़ किया है होल गरम मसाला में। और है जिंजर, थोड़ा सा जिंजर, 1 इंच के करीब जिंजर मैं चॉप करके इसमें भिगो चुकी हूँ। और गार्लिक है, 8-9 गार्लिक्स मैं इसमें ऐड किया हूँ। और होल ब्लैक पेपर, थोड़ा होल ब्लैक पेपर इसमें भिगो कर रखी हूँ बस, और कुछ भी नहीं है। इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और मैं यहाँ पर थोड़ा सा कर्ड को क्या यहाँ पर रख चुकी हूँ। इससे क्या होगा, एक्सेस जो पानी है वो निकल जाएगा और ये एक क्रीमी इफेक्ट देगा, जो हेल्थ के लिए भी हानिकारक नहीं होगा और टेस्ट में भी बहुत अच्छा आता है। क्रीम के हिसाब से आप ऐसे कार्ड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इससे ही यही होल इंग्रेडिएंट्स है। और नमक एंड शुगर तो लगेगा ही, तो मैं कुकिंग के टाइम में वो दिखा दूँगी। तो यही था मेन इंग्रेडिएंट्स, अब इसको मैं ग्राइंड करके फिर आती हूँ। देखिए, लग रहा है कि पूजा आ गया, दुर्गा पूजा के टाइम में ना ऐसा होता है कि सनशाइन डे, ऐसा कॉटन जैसा क्लाउड्स, ब्लू स्काई और अच्छा दिख रहा है आज। शायद मैं दिखा पाऊँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए, एक छोटा मॉनेस्ट्री है, वो मॉनेस्ट्री है बहुत हल्का दिख रहा है, वो है रूमटेक मॉनेस्ट्री। इसमें सब कुछ दिख पा देती है, मैं कढ़ाई चढ़ा दिया हूँ और इसमें मैं डालूंगी व्हाइट ऑयल।
गर्म होने के लिए वेट करना पड़ेगा। मैंने ना एक चीज़ एकदम स्किप कर गया, आई एम सॉरी। तो वो है, इसमें ना बेरिस्ता का ज़रूरत होता है, तो प्याज कट करना ज़रूरी है, इसीलिए मैं वो नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं ही स्किप कर गया। तो कुकिंग करने के टाइम में याद में आया, ऐसा बहुत बार होता है कि जो इंग्रेडिएंट्स ज़रूरी है वो भूल जाते हैं, तो करने के टाइम में याद आते हैं कि हाँ ये तो भूल गया, तो फटाफट करना पड़ता है। तो इसके लिए हेल्प कर रहा है मेरा हस्बैंड, वो कट कर रहा है ऑनियन। तो दिखा दीजिए, चलो ना मैं की जाना बोले सिंग का री कोड हिंदी तक ही बोले तुरी शायद तुरी बोलता है, उसका सब्जी मैं बनाऊंगी, जस्ट फ्राई कर लूंगी, इसके बाद हो जाएगा, तो वो कट करके रखती हूँ। हाँ डन हो गया, बहुत काम कर लिया आज। गरम हो चुका, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी वो पेस्ट जो मैंने बनाया था। वो तुराई था, वो मैंने भूल गया था कि क्या बोलते हैं, चिचिंगा बोलते हैं बंगाली में। बहुत ही अच्छा आ रहा है, फिर रिव्यू दे। देखो देखो ये देखिए शेप है ना, बोल ना अपफ्रंट अपफ्रंट ना बहुत सा शेप शेप फीलिंग आज बता ले। मिनी शेप, मिनी शेप ये मेरे शर्ट के कलर से भी मैचिंग है। हाँ मैच मैच हो गया, और तेल तेल गर्म हो गया। ब्लू इसका फेवरेट कलर भी है, इसीलिए ब्लू ही खरीद कर लेकर आया। हो गया, देखिए अब हाई में रहेगा, लो कर दो। मीडियम रखो, लो टू मीडियम, लो टू मीडियम में रख के ही फ्राई करना अच्छा होता है, तो डीप फ्राई भी हो सकता है। मैं ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, थोड़ा इसमें ज़्यादा ऑयल देने से अच्छा होता, मगर ठीक और बोले फर्क से यू शुड बी हेल्थ कॉन्शियस दादा, जो इतना नॉर्म हो जाए एक ज़्यादा ऑयल फ्राई करने से ये ज़्यादा मुरमुरा होता है, हो क्रंची होता है, नहीं तो इसमें हो जाएगा। ठीक है देखते हैं कैसे हो जाता है। नमक मत, इसमें नमक मत डालना, इससे क्या होता है ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, विदाउट सॉल्ट में ही कुक करना ज़्यादा बेरिस्ता। और कोई चाहे तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, घी से भी ओनली फ्राई कर सकते हो, तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, मगर मैं ऑयली डालती हूँ। तो 4 मिनट्स के अंदर ये हो जाएगा, रेडिश हो गया है, गोल्डन गोल्डन, बस थोड़ा सा क्रंची क्रंची होना चाहिए।
এক্সট্রা অয়েল দাওনি কিন্তু হচ্ছে অয়েল ছিল এর মধ্যে তো পেঁয়াজ থেকে তেল করে না কেসা শেফ হুম আজ কি হয়ে যাবে एक मेरा हस्बैंड ना बहुत एक्सपेरिमेंट में एक्सपर्ट है क्योंकि अगर उसको मैं किचन छोड़ दूँ तो वो खुद के हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारा कुकिंग कर लेगा और मैं मेरा मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था इसलिए मैं एक मंथ तक ही मैं कलकत्ता में था तो उस टाइम में ना वो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होम ही ना हो बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल कुकिंग किया था तो लाइक कि बॉर्नविटा रोटी कभी खाए हैं आप एक दिन ज़रूर दिखाऊंगी बॉर्नविटा ऐड करके वो रोटी बनाया था ब्राउन रोटी फिर कोको कोला मीट तो कोको कोला ऐड कर वो काठी रोल बनाया था शायद कोको कोला में मैरिनेट करके चिकन को तो बहुत सारा ऐसा एक्सपेरिमेंट चलता ही रहता है किसी कोई भी काम में एक्सपेरिमेंट ऑलवेज चलता रहता है और इसीलिए रेस्ट्रिक्टेड रूल्स उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है इसीलिए मैं किचन में रहने से वो नहीं आने के लिए इनकार कर देते हैं क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट तो नहीं चलेगा ना इस टाइम में इसीलिए वो बहुत बहुत सारा मैं याद करके बताऊंगी राइस बनाने में भी एक ट्रिक्स अप्लाई किया था वो अभी मैं नहीं बोलूँगी बाद में बताऊँगी और बहुत सारा मैं एक दिन उसका एक्सपेरिमेंटल कुकिंग भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी आए हैं बहुत ज़्यादा लेजी है अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी चिकन को इसको मैं अच्छा से मिक्स कर दूंगी मैं अभी तक नमक नहीं किया हूँ अभी ये बेरस्ता ऑलमोस्ट है हो गया ना हाँ देख लो एक बार और पकाना नहीं तो पड़ेगा नहीं एकदम ठीक है ना सही है अच्छा चलो मेरा काम खत्म थम्स अप एकदम मेरा काम खत्म बाय बाय मेरा कुकिंग जो है और 10 मिनट के अंदर ही हो जाएगा और सैटरडे संडे थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि ऑफिस वगैरह ये सब तो नहीं रहता है तो हम लोग बहुत लेथर्जेटिक वे में जो है दिन स्पेंड करते हैं मगर और ज़्यादा देर नहीं लगेगा जल्दी जल्दी हो जाएगा मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको हाँ मेरा शादी का पिक्चर है ये और ये भी आप बताओ तो मैं एक मेरा शादी का वीडियो भी डाल सकती हूँ शादी का वीडियो मतलब छोटा छोटा पिक्चर्स छोटा छोटा मेमोरी शेयर कर सकती हूँ एक वीडियो में तो अगर आप चाहो तो आप ज़रा बताओ कि मैं क्या ऐसा एक व्लॉग बनाऊँ तो मैं ज़रूर वो बनाऊँगी मेरा शादी का सुबह से रात तक जो जो मोमेंट्स होता है वो उसका एक्सपीरियंस उसका फ़ोटोग्राफी ये सब लेकर और मेरा जो शादी हुआ था वो प्रॉपर अरेंज मैरिज था और इसके ऊपर भी बहुत सारा स्टोरी है तो बहुत सारा ऐसा भी कुछ इंसिडेंट हुआ था जो बहुत अनयूजुअल था तो मैं वो भी शेयर करूँगी उस वीडियो में तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर ऐसा एक व्लॉग बनाऊंगी बहुत जल्दी ठीक थोड़ा सा सूख गया है अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूँगी
ना रोटी के साथ ज़्यादा अच्छा लगती है। राइस के साथ भी चलता है मगर रोटी के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग डिनर में ये रोटी के साथ ही दूंगी। और अभी तो सुबह में हम लोग राइस खाते हैं जनरली, डिनर नहीं सुबह में राइस ही खाते हैं, कभी कभी ओट्स डालिया भी लंच में ले लेते हैं, तो नहीं तो राइस ही मैक्सिमम टाइम चलता है। और रात में बहुत कम राइस लेते हैं, तो रोटी और ऐसे ही कुछ ले लेते हैं, रोटी ही लेते हैं मैक्सिमम टाइम। तो ये रोटी के साथ ही अच्छा लगेगा। खुशबू जो आ रहा है ना, मैं कैसे बताऊँ आपको, बहुत अच्छा। भूख तो बढ़ जा रहा है अभी। और नोटिस करके देखिए, देखिए यहाँ से ना तेल जो ऑयल है वो थोड़ा थोड़ा निकल आएगा प्रॉपर फ्राई हो जाने से। भाई सबको ही पता है मैं फिर भी बोल रही हूँ, वाइट है मगर यहाँ से कुछ ऑयल छोड़ रहा है। कलर भी बहुत पसंद का है मेरा और इसका जो खुशबू आ रहा है तो मैं क्या बताऊँगी, सो यम्मी। और देखिए मेरा हस्बैंड क्या कर रहा है अभी, बेड का हालात ऐसा है, वो लैपटॉप में ही पड़े हैं। अच्छा वो ना बहुत अच्छा पेंटिंग करता है, मैं एक दिन लाइव वीडियो दिखाऊंगी उसका, बहुत ही अच्छा। और ऑब्वियसली मैं आपको उनका जो पिक्चर है ड्राइंग पिक्चर वो भी शेयर करूंगी। और उसका एग्जीबिशन भी होता था एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में ऐसे, तो वहाँ पर भी बहुत बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर का जो एग्जीबिशन होता था। और बहुत बुक्स इलास्ट्रेशन भी करते हैं वो, बुक फेयर में बहुत नए नए बुक्स भी निकालते हैं जहाँ पर उसका इलास्ट्रेशन पेंटिंग रहता है। तो मैं वो भी शेयर करूँगी आपके साथ कुछ दिन बाद, क्योंकि सब बुक्स यहाँ पर नहीं है। हम लोग जब ससुराल जाएंगे तो वहाँ पर सब बुक्स है, तो वहाँ पर मैं दिखाऊँगी। और मैं ज़रूर उसका पिक्चर जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। ताओ कप्टा दाओ, कॉफ़ी पिए थे वो कप भी यहाँ पर रह गए। मेरा मुंह में बहुत सारा पिंपल आ गया, छोटे छोटे, और सेंसिटिव स्किन है मेरा, कुछ भी सूट नहीं करता। और धूल मिट्टी लगने से ही बस, और टैनिंग तो छोड़ ही दो, सनस्क्रीन में भी कवर नहीं होता, जब भी निकलूँ तो टैन, तो बहुत घटिया स्किन है मेरा। देखो क्या करूँ। जो चिकन मैं यूज़ कर रही हूँ ना वो बहुत छोटे छोटे पीस में है। हम लोग ऑलवेज़ शॉपकीपर को जाकर बोलते हैं कि पीस ज़रा बड़ा रखिए, मगर यहाँ का ना मैं जानती नहीं हूँ मेरे एरिया में, और अदर्स कोई जगह पे हो तो हो सकता है कि ये वो अच्छा बड़े पीस वाला मिलता है, मगर यहाँ पर मैं इन जनरली दिखा हूँ कि सिक्किम में ना जो पीसेस होता है मटन का भी इतना छोटा छोटा कर देता है, वो लोग ऐसे ही खाते हैं शायद। और जो छिलका होता है ना, जो स्किन है वो नहीं हटाता है ये लोग तो इसके साथ ही चिकन खाते हैं। हो सकता है वो ज़्यादा टेस्टी होता है, मुझे पता नहीं, क्योंकि हम लोग तो कभी नहीं इसको खाया है और कंफर्टेबल भी नहीं हूँ इसके लिए। तो मैं ऑलवेज़ करती हूँ क्या कि अगर मैं 700 ग्राम या 800 ग्राम या 1 केजी चिकन लिया हूँ, हम लोग दोनों ही सिर्फ खाते हैं तो ज़्यादा नहीं लगता है। और तो वो जो लेती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि ऑलवेज़ छिलका हटा कर दो भैया, तो वो कभी कभी वो बोलते हैं लेकर जाइए ये तो आपका लॉस है, भाई लॉस होने दो, मगर ये मैं नहीं खा पाऊँगी। हो सकता है मैं इसमें यूज्ड टू नहीं हूँ इसीलिए, हो सकता है वो अच्छा खाने में है मगर मुझे कैसा है ऐसा आता है। मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो मैंने बेरिस्ता मेरे हस्बैंड किया, तो
पे बुक किया था ना वो मेरे तो लास्ट में जो ऐड करना है वो है कसूरी मेथी, जो ड्राई मिलता है पैकेट में वो ही मैं यूज़ करूँगी। कोई डस्ट करके भी दे सकते हैं, तो उसको जस्ट लास्ट में देना है और जस्ट मिक्स कर देना है अच्छे से। हवा आ रहा है, मेरा नहाना कंप्लीट हो गया है, पूजा भी हो गया है, अब हम लंच कर लेते हैं। चलो अभी 9:30 बज गए हैं और मेरा सब काम ख़त्म हो गया है आज के लिए। हमारा डिनर नहीं हुआ, मैं रात का जो डिनर है वो रेडी कर चुकी हूँ। डिनर में हम ले रहे हैं रोटी और सुबह का जो चिकन था वो जो रोस्टेड चिकन मैं आज रेसिपी शेयर किया हूँ वो ही। और अगर आप चाहे तो रोस्टेड चिकन में आप घी और बटर कुछ भी ऐड कर सकते हैं कसूरी मेथी के साथ लास्ट में, ये ऑप्शनल है, मैंने ही ऐड किया था, मगर आप चाहे तो कर सकते, इससे टेस्ट एनहेंसिंग होता है। ठीक है, चलो देखते हैं मेरा हस्बैंड क्या कर रहा है। क्यों तुम्हें देखा थी? ओ अच्छा, কি মুভি দেখছো বলো? ব্রাইটম্যান। কেমন? ভালো। আর এটা কে খেলো? আমি জানি না। আই ডোন্ট নো। বলো এটা কে খেয়েছে? তুমি পুরো খতম কর দিয়া। আই ডোন্ট নো। মানে তো ইতনা সা ভি নেই খায়া। নেই, ইয়ে তুমি পুরো খায়া হ্যায়। মি ঝুট মত বলো। মে ঝুট নেই বল রাহা হু, ইয়ে তুমি পুরো খায়া। ঠিক হ্যায়, কাল মে এক বড়া বালা। ইতনা মোটা কিউ হো রহে হো? ইতনা মোটা কিউ হো রহে হো? ইতনা মোটা টামি কিউ সামনে জা রহে হ্যায় ভি? টামি সামনে নেই জাতা, পেট বাহার আতা হ্যায়। তো আজ কে লিয়ে ইতনা হি, হাম লোগ কুছ দের বাদ ডিনার কর লেঙ্গে, তো তব তক কে লিয়ে বাই বাই। বাই বাই। तो टेक केयर एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। चैनल्स नेम इज अनुस रंगमंच। ओके, बाय गाइस, गुड नाइट।